कैसे हो आप लोग। तो आज मैं हूँ तारालंगसू पार्क, जो कि हमारा होम टाउन का और एक ब्यूटीफुल पार्क है। आपने लास्ट व्लॉग में एक पार्क देखा था जो कि मेरे घर के सामने था। ये थोड़ा घर से दूर है, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है। ये जो व्लॉग का स्टार्टिंग है ये मैं बोटिंग करके कर रहा हूँ, तो एंजॉय करें इस व्लॉग को, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्लॉग बनेगा। तो मैं हूँ अनिर्बन, आप देख रहे हैं चेक्स व्लॉग्स, लेट्स एक्सप्लोर। तो हम आ गए हैं तारालंगसू पार्क और ये है क्लॉक टावर यहाँ का। यहाँ पे हम सब ऑटो से ही आए, तो और ये राइट साइड पे है टिकट काउंटर जहाँ से हमने टिकट ले लिया। अभी तो ये जगह बहुत ज़्यादा क्लीन और डेवलप हुई है। बहुत साल पहले यहाँ तो मतलब क्या बताओ, बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, जगह पहचान में नहीं आता। अभी सही है कि देख रहे हैं आप, जैसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है जगह, ये बहुत ही ज़्यादा अलग अलग पार्क्स बने हुए हैं। और यहाँ पे जो अलग अलग स्टेजेस देख रहे हैं, ये जो यहाँ पे कार्बी यूथ फेस्टिवल होता है, वहाँ के अलग अलग फंक्शंस प्रोग्राम होते हैं, जैसे डांस, सिंगिंग, फैशन शो, बॉडी बिल्डिंग एक्सेट्रा। और वो जो दूर में देख रहे हैं आप, छोटे से बिल्डिंग या छोटी नहीं बड़ी बिल्डिंग है वो, तो वो एक म्यूज़ियम है, कार्बी म्यूज़ियम, जिसको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर कवर करूँगा। बहुत ही अच्छा मौसम है आज, ना गर्मी है ना ठंडी है, बहुत ही साफ सुथरा मौसम है, सही है, आराम से घूम पाएंगे। तो ये है मेन गेट इस पार्क से एंट्री लेने की। और यहाँ पे इस तरफ बोटिंग हो रही है, बोटिंग करेंगे हम, बोटिंग का वीडियो भी दिखाएंगे आपको, बोटिंग एक्स्ट्रा चार्जेस है। फिर वो उस तरफ ये ब्रिज है, वहाँ से फिर पार्क की तरफ जाएंगे। बोट जैसा मैं देख रहा हूँ सबकी कंडीशन अच्छे है, तो अब डूबने का डर नहीं होगा आपको। यहाँ पे लाइफ जैकेट भी देते हैं ये लोग, तो जिसको डर लगता है वो लाइफ जैकेट भी ले सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं हम लोग सब भैया और मैं बोटिंग कर रहे हैं। यहाँ भाभी बैठी है, मम्मी बैठे है, ये भैया, वो जो वहाँ पे मैंने दिखाया था वहाँ से हमने एंट्री ली थी, फिर वहाँ से हमने बोट लिया। सो यहाँ से हमने एंट्री ली, देखिए क्या अच्छा व्यू है यहाँ पे। तो वहाँ पे हमारे और भी फैमिली मेंबर्स हैं, यहाँ सब ब्रिज में खड़े हुए हैं। ये ब्रिज की कंडीशन भी सही है, लोहे से बनी हुई है, लोग गिरेंगे नहीं यहाँ से। तो हम सबकी बोटिंग हो गए, सब हम सब गए नहीं, 6-7 लोग ही गए हैं, तो वो भी चलते हैं पार्क की तरफ। ये पार्क बनाया इतना साल भी नहीं हुआ, पता नहीं ये सब क्यों टूटने लगे इतनी जल्दी। तो बोटिंग सफलतापूर्वक हो गई है, अभी हम लोग पार्क को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे अच्छे व्यूज दिखाएंगे, आपको भी दिखाएंगे, एंजॉय करिए पूरे वीडियो को। ये इतने अच्छे नेचुरल नज़ारे बहुत मिस करता हूँ मैं, इसलिए जब होम टाउन आता हूँ फिर यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। तो अभी हम आए हैं काजी रोंगहांग पी मेमोरियल पार्क, एक छोटा सा पार्क है। यहाँ पे भी अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर्स प्लांट्स लगे हुए हैं। तो वहाँ से हम आए थे, वो जो ब्रिज देख रहे हैं आप, वहाँ से हमने एंट्री ली थी, और यहाँ से आके हम यहाँ छोटे से पार्क में आए। यहाँ पे सिटिंग एरिया भी है, नाइट व्यू बहुत ही अच्छा है यहाँ का, क्योंकि देख रहे हैं पौधे लगे हैं, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है जगह को। तो ये जो तारालंगसू पार्क में जो कार्बी यूथ फेस्टिवल होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट्स के लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस कार्बी यूथ फेस्टिवल है। तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगा आप यहाँ पे आएँ, जनवरी फरवरी के बीच में हर साल होता है ये, तो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित फेस्टिवल है। और ये जो स्टेचू आपने देखी है, ये किसी हमारे कार्बी कल्चर के फेमस पर्सन के, सॉरी मेरे को नाम नहीं पता उनका। ब्लॉग कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। तो ये जो
पार्क का लोकेशन है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल से पार्क है, बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये जो पार्क का टिकट का प्राइसिंग है 10 रुपीज़ है, बहुत ही सस्ता है। और अगर आप व्हीकल लेके आएंगे, गाड़ी जैसे ऑटो हो या 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो, तो उसके लिए 20 रुपीज़ है, तो बहुत ही अफोर्डेबल है। मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ही क्लीन और अच्छी जगह है ये। तो ये जो कार्बी यूथ फेस्टिवल है मैं कह रहा था, ये 1974 से हो रहा है, तो लाइक अप्रोक्स 48 ईयर्स से इस कार्बी यूथ फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। जब मैं होम टाउन में रहता था तो मैं हर साल आता था, कभी मिस नहीं कर सकता था, लेकिन इस टाइम शादी की वजह से नहीं आ पा। बट कोशिश करूँगा नेक्स्ट ईयर ज़रूर आऊँगा मैं, और इस फेस्टिवल को कवर करूँ व्लॉग के थ्रू, आप सबको दिखाऊँ मैं। और एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, अलग अलग स्लाइड झूले बने हुए, तो सही है, बच्चों को आराम से टाइम पास जाता है खेल कूद से। तो यहाँ पर अभी एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, तो यहाँ पे फाउंटेन बना हुआ है। ये फाउंटेन चलता है कि नहीं मुझे पता नहीं, कभी चलता है नहीं तो मैं आपको दिखा देता वीडियो में। तो हमारे कार्बिलोंग डिस्ट्रिक्ट की, हमारे होम टाउन की यही खासियत है, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो कार्बी कल्चरल लोग हैं या ट्राइबल्स है, वो लोग इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे कारीगरी से नेचर को लेके इतने अच्छे तरीके से ब्यूटीफुल बनाते हैं और पार्क गार्डन को सही तरीके से, मज़ा ही आ जाता है। चिड़ियों की आवाज़, नेचर के पास हरियाली के साथ, जिंदगी में और क्या ही चाहिए साहब। बहुत चल के बहुत ज्यादा थक गए हम लोग, फोटो खींचे, अभी रेस्ट कर रहे हैं, सारे मिलकर खाना वाना खाएंगे, पानी वानी पिएंगे, रेस्ट हाउस में बैठ रहा है। तनावी आगर सत्ते मोटन बोलती तो हम तो खून। तो कैसा लगा पूरा ब्लॉग, वीडियो पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल ब्लॉग्स आते रहेंगे। जितने दिन नॉर्थ ईस्ट में हूँ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाऊंगा, क्योंकि फिलहाल तो असम में हूँ अपने होम टाउन में, प्लानिंग है अलग अलग स्टेट्स को भी विजिट करने के नॉर्थ ईस्ट के। तो इसी व्यू के साथ इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ, आप चैनल पर बने रहिए, बाय।